इंडोनेशिया के असेह प्रांत में आए 6.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से जहां 97 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है तो वहीं सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल मलबे में दर्जनों लोगों के फंसे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि सुमात्रा द्वीप के असेह प्रांत में भूकंप उस वक्त आया जब नमाज अदा की जा रही थी। अमेरिकी जियोलॉजिकल के मुताबिक भूकंप सुबह 5:03 पर रियुल्यूट से करीब 10 किलोमीटर उत्तर की दिशा में आया था। भूकंप इतना जोरदार था कि कुछ ही लम्हों में कई मस्जिदें और दुकानें ढह गई, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस तबाही में 97 लोगों की जान चली गई तो वहीं सैकड़ों लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय अधिकारियों की माने तो बड़ी संख्या में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। हालांकि इस दौरान मलबे में दर्जनों लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। दबे लोगों को खोजने के लिए बचाव अभियान जारी है। बचाव कर्मी मलबे को हटाने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल भूकंप के कारण जानमाल का भारी नुकसान होता देख प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इंडोनेशिया का असेह प्रांत सुमात्रा द्वीप के उत्तरी छोर पर है और भूकंप के लिहाज से खासतौर पर संवेदनशील है। फिलहाल प्रशासन ने इलाके में सुनामी का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। देखते रहिए डीवी लाइव।